हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप? वेलकम टू माय ब्लॉग मंजित लाइफ इज ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। चलिए, शाम हो गई है, अब मैं चलती हूँ इवनिंग वॉक के लिए। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नीचे। चलिए, मैं लिफ्ट में आ गई हूँ, अब ग्राउंड फ्लोर जाऊंगी। बात करेंगे सर से। और कल का बर्थडे प्रेजेंट कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज तो अभी हम पहने नहीं स्मार्ट वॉच, कल पहनने दिखाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं, वहाँ पे निकलते हैं। बस लिफ्ट में, ग्राउंड फ्लोर में पहुँचने वाले हैं। जैसे आपने ब्लॉग में दिखा, कल का बर्थडे ब्लॉग था, कितना सर मैंने अपने हस्बैंड को प्रेजेंट दिया, बहुत अच्छा रहा कल का हमारा डे। और मैंने कितने सारे डिशेस भी बनाए थे, आपके साथ शेयर भी किया था। चलिए, ग्राउंड फ्लोर में आ गए, बाहर निकलते हैं। चलिए, अब लिफ्ट से बाहर निकल गए हैं, अब निकल रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। आज के ब्लॉग मैंने शाम को शूट किया है, क्योंकि कल इतना पूरा डेकोरेशन करना, सब मैनेज करना, इतना सारा खाना, मैं बहुत थक गई थी, तो आज पूरा दिन मैंने रेस्ट किया है। चलिए, वॉक कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। मैं मार्केट से वॉक करके मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं सब्जी सामान वामान लेके आ गई, सब्जी वगैरह, और अब मैं कुछ खाने के लिए लेके आई हुई हूँ। चलिए, आपको दिखाती हूँ। ये मोमोज है, यम देख सकते, ये मोमो है, यम्मी यम्मी। चलिए, अब हम इसे खा लेते हैं, फिर मैं डिनर बनाऊंगी। ओके, ये देख सकते, ये हमारा यम्मी सा केक आ गया, हम लोग ने खाया नहीं था पूरा। चलिए, अब इसे खा लेते हैं, कितना यम्मी है ना। चलिए, अब इसे खा के मुझे डिनर बनाना है। चलिए, बाय। आज देख सकते हो, आज मैं डिनर में बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। चलिए, मैं भिंडी काट लेती हूँ, फिर बनाएंगे। देख सकते हैं गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने ऑयल चढ़ा दिया चढ़ाई में, और भिंडी काट लिया है, देख सकते हो, और प्याज मिर्चा भी काट लिया है। अब मैं इसमें आलू रहते है वैसे काट लेती हूँ। चलिए, ऑयल गर्म होने देते है, फटाफट मैं काट लूंगी। देख सकते हो, मैं काट रही हूँ, देख सकते हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ना भिंडी था भुंजिया में आलू चाहिए होता है, नहीं तो वो खाएंगे नहीं, इसे मुझे डालना है, डालना पड़ता है। He is the best of India, is the best. Baby, मुझे पॉप लगेगा, बेबी मुझे पॉप लगेगा, चले मालू काट लेते फटाफट, नहीं तो सोचेंगे कभी गाने लगती है, कभी डांस करने लगती है, पता नहीं क्या क्या करती है। मैं जब खुश होती हूँ ना ज्यादा, तो डांस करती हूँ, डांस करती हूँ, गाना गाती हूँ, अच्छा लगता है ना। प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो पूरा देखे। अब ब्लॉग कैसा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरा शॉर्ट्स वीडियो भी देखे, लाइक कमेंट, अब वॉच माय फुल वीडियो, डोंट स्किप माय वीडियो। ओके, चलिए, मैंने आलू काट लिया है, ऑयल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते ऑयल गर्म होने का। अब चलिए, जैसे मैंने आलू काट लिए है, देख सकते हो आलू काट लिया है, अब मैं सब निकाल रही हूँ पानी से, अब भिंडी में डाल दे रही हूँ। हो गया, ये देखिए मेरा आटा सना गया, सान के रखा हुआ है, अब इससे रोटी बनाएंगे। पहले हम भिंडी का भुंजिया बना लेते हैं, फिर रोटी बनाएंगे। और मैंने पनीर की भी सब्जी बनाई है, सॉरी मैं इसका क्लिप लेना भूल गई। चलिए,
प्याज डाल देता हूँ, गर्म हो गया प्याज और मिर्चा। बेबी मुझे पाप लगेगा। और कल पता है मैंने इतना सारा खाना बना लिया था ना कि बच गया था। मैंने लंच में भी वही खा लिया, खीर तो खत्म हो गया था, इतना टेस्टी बना था। तो खत्म हो गया था पूरी, तो रात में खत्म हो गया था फ्राइड राइस, तो फिर मैंने लंच में पूरी बना लिया, छोले तो थे और रायता फिर से बना लिया था, और खीर इतना यम्मी था खत्म हो गया, और साथ में गुलाब जामुन खाया था, रात में डिनर करने के बाद केक खाई यम्मी यम्मी। चलिए इसे 2 मिनट लगेगा। देख सकते हैं मेरा प्याज और मिर्चा ऑलमोस्ट कुक हो गया, ज्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि भिंडी फ्राई करने समय भी मैं प्याज भुनाएगा ना। चलिए अब इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। अगर सोचोगे धनिया पाउडर क्यों नहीं डालती, मैं हर खाना में धनिया पाउडर डालती हूँ शुरू से। चलिए अब मैं भिंडी और आलू को डाल देती हूँ। अगर भिंडी भुना गई अच्छे से, थोड़ा गल जाएगा तब उसमें नमक डालेंगे। चलिए तब तक मैं किचन किंग डाल देती हूँ थोड़ा सा, भुना जाएगा उसके बाद नमक डालेंगे और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। चलिए इसे इसे फ्राई होने में 10 मिनट लगेगा। देख सकते हैं 5 मिनट हो गया है, अब इसमें आधा थोड़ा कुक हो गया है, अब इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे और नमक। नमक मैं इतना सा डाल रही हूँ, 1 चम्मच से थोड़ा कम, ज्यादा ना हो जाए इसमें। देख रहे हो गर्मी कितनी है बाबा, हालत खराब। और में तो इसी अंतर से हॉल में तो नहीं ना, हॉल में थोड़ी ऐसी लगा है। चलिए अब से 5 मिनट और कुक होने देते हैं, और ढक देते हैं पहले इसमें, ढकने से जल्दी कुक होगा। देख सकती हूँ मेरा भिंडी ऑलमोस्ट कुक हो गया, और 3 मिनट मैंने कुक किया था, पहले 5 पीटी और 2 से 3 मिनट इसे ऐसे ही खुला ऐसे ही ओपन में बनने देंगे क्रिस्पी बनने के लिए, फिर रोटी बनाऊंगी। बनता है फिर आपको दिखाते हूँ, फिर रोटी बनाएंगे। ओके मेरा भिंडी बनते रेडी है, अब रोटी बना लेती हूँ। ओके देख सकती है कि मेरा डिनर बन के रेडी है। ये मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, ज्यादा नहीं बनाई थोड़ी सी। ये मैंने भिंडी आलू बनाया है, ये मेरा पराठा है। रवि को दही पसंद है तो वो थोड़ा सा दही और मिर्चा लिए। चलिए अब हम डिनर कर लेते हैं, चलिए हम डिनर कर देते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले, पूरा वीडियो देखे। ओके चलिए अब हम डिनर कर लेते हैं, बाय गुड नाइट, कल मिलेंगे, बाय बाय।